हेलो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी अलग होने वाली है। ये किसी भी जर्नी पे नहीं रहेगी। ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ नेशनल रेल म्यूज़ियम, जो कि दिल्ली में है, और ये है इंडिया का सबसे बड़ा रेल का म्यूज़ियम जो इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो मैं आया हूँ आज अपने भाई के साथ, और ऑनलाइन टिकट करा के आए हैं। आप टिकट ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑफलाइन टिकट में भीड़ है, तो इसलिए हम ऑनलाइन करा के आए हैं, तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ऑनलाइन टिकट कराना बहुत ही आसान है, IRCTC की ID से हो जाता है वो, और अगर आपके पास नहीं है तो गेस्ट ID से भी हो जाएगा। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दीवारों पे ट्रेन भी बना रखी है। अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो उस वीडियो में पूरी बने रहे मेरे साथ, और अब चलते हैं अंदर। अब हमने म्यूज़ियम के अंदर एंट्री ले ली है, और एंट्री लेने के लिए अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। आपका QR कोड स्कैन होगा, जो भी आपका टिकट पे QR कोड बना रहता है। तो हमारी एंट्री हो चुकी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट करा ली थी। तो गाइज, हमें फाइनली अंदर घुसने की एंट्री मिल गई है। मेरे सामने एंट्री लिखा था बट मैंने देखा नहीं, फिर मेरे भाई ने बताया ऑटो करने वाले थे हम तो यार भी यहाँ। अरे ऑटो थोड़ी करेंगे अंदर। तो आप जैसे ही एंट्री लोगे ना म्यूजियम के अंदर, वहाँ से लेफ्ट साइड में ही जाओगे तो वहीं से एंट्री है। बाकी उस साइड भी गेट है, लेकिन वहाँ से बंद कर रखा है। तो अभी लेफ्ट से हम चल रहे हैं, सीधा रास्ता जा रहा है। अब यहाँ से हम फिर राइट मुड़ेंगे, फिर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे सामने एक फास्ट फूड का कियोस्क भी लगा हुआ है, देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। एंट्री लेने के बाद थोड़ी दूर चलते ही आपको ये दिखेगा। एक तो ये है, ये जो भी रेल का बोलेवियार्ड होगा यहाँ पे, और शायद म्यूजियम जंक्शन का एक बोर्ड लगा है इधर, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी इसमें हम नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हम बाहर बाहर वाला घूमेंगे। हमने हाँ, यहाँ अंदर 3-4 ट्रेनें भी चलती हैं, टॉय ट्रेन, जॉय ट्रेन, तो उसकी भी आप टिकट ले सकते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लेनी है। पहले यहाँ पे देख लिया, आपको यहाँ पे पूरा मैप दे रखा है कि ऑडिटोरियम किधर है आपका, कहाँ पे कैसे क्या है, सब कुछ दे रखा है। और उधर है म्यूजियम मेन वाला। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे एक जॉन मॉरिस फायर इंजन रखा हुआ है जो 1914 में बनाया गया था, उसको चल के देखते हैं कि वो कैसा है। और इसके बगल में ही एक फास्ट फूड का ट्रैक है, वो भी IRCTC का है। मतलब ये इंजन कम से काफी ज्यादा सही था, मतलब इंजन कम एक कार लग रहा है देख यहाँ पे। और मतलब ये 40 miles per hour बहुत ज्यादा होता है यार, ऐसी। और 1914 का था यार मतलब। और यहाँ पे इसकी स्टोरी लिखी हुई है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, मतलब कैसे क्या था। अभी हम वीडियो बंद करके पढ़ते हैं। और अंदर ये रखा हुआ है, मतलब एक्चुअली मेरे को लग रहा है रियल का है पूरा। और यहाँ पे लेबलिंग भी की गई है, जॉन मॉरिस सन्स। एंड ये जॉन मॉरिस फायर इंजन के पीछे ही एक सोविनियर की शॉप है, ट्रेन से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड कुछ कुछ स्टफ्स होंगे जो आप अंदर जाके विजिट करके ले सकते हैं। मैं तो अभी अंदर नहीं जा रहा इसके, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा घूमना है। लास्ट में टाइम मिलता है तो जाऊँगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे घूमोगे तो आपको मतलब दीवारों पे जो है वो नॉर्मल पेंटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेन की जो चित्रकारी है वही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कुछ कुछ देखने को भी लिखा हुआ भी देखने को मिला, मेरे सपनों की रानी, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। और आपको इधर एक चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इधर लिखा है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। आपने अगर देखी होगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उस मूवी का जो डायलॉग है लास्ट में जब आता है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर सिमरन खड़ी है, और वो तो दिख ही नहीं रहा है इधर जो बुला रहा है इसको। और उधर लिखा है एक II चेन्नई एक्सप्रेस, और चेन्नई एक्सप्रेस का भी बना रखा है इधर मतलब। और उधर ये शाहरुख खान बना रखा है, और उधर दीपिका पादुकोण बना रखा है। ये है म्यूज़ियम की एंट्री, और इसमें चल के देखते हैं कि क्या होता है। ये गैलरी है एक्चुअली, इंडोर गैलरी लिखा है इधर, और इसकी एंट्री कुछ ऐसे है। और यहाँ घुसते ही यहाँ पे सुविनियर शॉप में जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपको ये चाहिए तो सुविनियर शॉप को विज़िट करें। अंदर कप है जिसपे इंडियन रेलवे की बैजिंग है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का बैच रखा हुआ है, कैप मिल जाएगी आपको और कप मिल जाएंगे। और यहाँ पर फोटो अलाउड नहीं है, बट मेरे को जितना हो सकता है मैं आपको दिखा दूँगा, अगर जितनी भी मेरे को मतलब कैमरा खोल सकूँ मैं, अगर कोई मना ना करे तो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टीम लोको, जो सबसे पहले वाला जो लोको इंजन आया था वो लगा रखा है, उसके बाद स्टीम लोको WT 14000 वाला लगा रखा है, और उसके बाद कगनॉट, ये आप देख सकते हैं स्टीम लोको। और ये वॉच है जो पहले लगती थी स्टेशनों पे, मिराज स्टेशन क्लॉक मेकर बेंसन, मिराज स्टेशन पे लंदन की है 1926।
और ये आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग व्हील है, ये कितना बड़ा है ये, मतलब मज़ा आ रहा है इसको देख के। और यहाँ पे टीवी लगाई गई है आपको, मतलब एलईडी एलसीडी। और यहाँ पहाड़ों के अंदर कैसे कैसे मतलब खुदाई करके ट्रेन के अंदर ले जाया गया ट्रेन की टनल को, देख सकते हैं यार कितना औसम है यार ये। यहाँ पे छोटे छोटे लेबर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्रेन काम कर रही है, यहाँ से जो मिट्टी कट के आ रही है अंदर से वो इस ट्रक में गिर रही है, ये ट्रक मिट्टी कहीं और ले जाएंगे, और ये अंदर टनल है, यहाँ से मिट्टी काट के निकालेगी ताकि ट्रेन आगे जाए। काफ़ी मस्त बना रखा है यार, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेन के जो जो क्रेन्स होती हैं या फिर जो जिससे काम होता है ट्रेन का वो सब बना रखा है। ये है फेरी सिप MX5 1/2 स्टीम सिप, ये स्टीम का सिप था जो वो है। ये रेलवे ट्रैक चेंज कैसे होता है वो है, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ट्रेन चेंज हो जाती है इसके ट्रैक। ये क्या चीज़ है ये तो समझ। अच्छा, ये जो ट्रेन के टायर है उसको बीच में से काट के दिखाया गया है कि ये कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये ट्रेन के ट्रैक के बीच में ये ऐसे रहता था कि ट्रेन के ट्रैक से इधर उधर ना जाए वो। ये एक और फेरी सिप है TSS, फोकस कहाँ गया, TSS हेरिडिंग, इधर सामान रखा गया है। ट्रेन की जो ट्रैक है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, पहले ये लगते थे अब ये लगते हैं, बस आप इंजॉय लीजिए यार, मैं क्या बोलूँ, देखते रहिए बस आप लोग। OHE मॉडल, ये पूरे इंडिया का मैप बनाया गया है कि कहाँ पे कैसी लाइन है ट्रेन की पूरी। वाह यार ये बढ़िया लगा मेरे को देख के। इंसुलेटेड जॉइंट्स RDSO टाइप के जो ट्रैक होते थे पहले वो हैं, उसके बाद अल्मोनियम थर्मेट वेल्ड जॉइंट बने, और ये आप देख सकते हो हाई स्पीड कॉइल बॉयज स्टील, ये तो यार कुछ अलग ही लग रहा है, मतलब यार कितनी तगड़ी इंजीनियरिंग लगाई गई होगी। ये जो है चेसिस टाइप का होता है, जो इसके ऊपर ही जो ट्रेन की बॉगी रहती है वो रखी जाती है, और ये चेसिस इस पटरी पे चलता है रख के। ये पूरा मैप है, दिल्ली मुरादाबाद लखनऊ गोरखपुर, ये देख सकते हो आप वंदे भारत जो अभी बनी है, ये देख सकते हो आप। ये देखो येलो लाइट है अभी, येलो लाइट का मतलब है हमें आगे नहीं जाना और हमें वेट करना है, तो चेंज भी होती होगी कैसे क्या है। यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है कि मतलब किस लाइट का क्या मतलब है, कहाँ स्टॉप होना है, TYP का मतलब क्या है, TYG CFW, आप लिखते हुए देखते होंगे ना ये इसका मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा विसल इंडिकेटर बोर्ड से कि क्या क्या है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैपर्स की ट्रांसमीटर है, ये होता होगा कुछ सर्किट ब्रेकर, जो रेलवे से होंगे उनको तो पता होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती है, क्योंकि उन लोगों ने सबके बारे में पढ़ रखा होगा, वो रोज ही देखते हैं, बट हम लोगों को तो नहीं पता। उधर एक सिमुलेटर टाइप है वो भी देखेंगे हम, जो भी स्टेशन मास्टर करता है कैसे ट्रेन को इधर उधर करना है, कैसे ट्रैक चेंज करना है ट्रेन का। और ये क्या है, पॉइंट इंडिकेटर है ये, मतलब कुछ पॉइंट इंडिकेट करता होगा ये, ये भी देखते हैं चल के क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच, बटन थोड़ा सा करके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है पूरा। Push 32, push 22, push 6, push, मतलब वह ये सारे ट्रैक को कंट्रोल करने के लिए, अगर ये पूरे स्टेशन पे लगा होता है, ये स्टेशन मास्टर इसको कंट्रोल करता है, अगर कोई भी ट्रेन आ रही है उधर से तो उसको किस ट्रैक पे ले जाना है वो यहाँ से पूरा डिसाइड होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसका मतलब यही होता है, बता देना अगर मैं गलत हूँ तो। ये इंटरनेशनल बिल्डर और ये नंबर प्लेट्स हैं कि इंडियन रेलवे में कैसी कैसी नंबर प्लेट्स होती थी, देख सकते हैं आप, मतलब ये 1939 की नंबर प्लेट है, ये 1901, मतलब बहुत पुरानी पुरानी नंबर प्लेट कैसी कैसी होती थी, ये सारी है, मतलब एक अलग ही यार, मतलब देख के मज़ा आ गया। ये इंडियन रेलवे का एकदम बढ़िया नया लोगो जिसके ऊपर लिखा भी है सत्यमेव जयते, यहाँ पे ये स्टीम का लोगो रखा गया है, और ये स्टीम लोगो के अंदर कैसा व्यू होता है वो भी हमें दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे लिखा गया है इनसाइड व्यू ऑफ स्टीम लोगो, तो यहाँ पे ये कोल डलता था और यहाँ पे भी कोल डलता था, जिससे जो है स्टीम जनरेट होते थे, जिसकी वजह से जो पिस्टन है
वो ऊपर नीचे होता था और हमारे जो टायर है वो हिलता था, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी अपने हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे ये है स्टीम लोको दूसरे डिज़ाइन का, और नीचे स्टीम लोको मतलब ये अपग्रेड होते गए हैं, कैसे कैसे क्या है वो सारा बता रखा है यहाँ पे ये पूरा स्टीम लोको का ही है, जितने लोग हैं यहाँ पे सारे स्टीम लोको हैं। और एक यहाँ पे छोटा सा इंजन है, इसको आप देख सकते हो ऊपर खोल रखा गया है, GIP 1851। म्यूज़ियम से बाहर आने के बाद फिर से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पे जो हमने टिकट कराई थी म्यूज़ियम जंक्शन ट्रेन की वो इधर ही है, हमारा जो स्टेशन है वो आ गया, हम स्टेशन पहुँच गया टाइम से पहले, कुछ लोग पहले ही बैठ चुके हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे और पता करेंगे कैसे क्या है, कैसे टिकट देखेंगे वो क्या है। ये मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम जंक्शन स्टेशन के ऊपर, और इसकी जो ऊँचाई है समुद्र तल से वो है 206.70 मीटर। ये है लोकोमोटिव इसका, और ये मेरा भाई बैठ गए अंदर, और ये स्टार्ट करेगा, एक फ़ैन भी लगा है छोटा सा, और ये छोटी सी छोटा छोटा इसका सारा सिस्टम है, अभी पता नहीं कैसे चलता है, अगर कोई आएगा तो बताएगा, शायद अभी स्टार्ट होने वाली होगी अभी तो पता नहीं। हाँ तो बहुत इजी है, ये रियल वाली ट्रेन थोड़ी है, रहने दो कुछ मत करो, क्या पता चल ले मजा आ रहा है, फिर छूट जाएंगे लोग। इसका ब्रेक तो एकदम वैसा है ऑटो वाला, चाबी दो, चाबी चाबी कहाँ से दे मैं इसकी, अबे गाइस को चढ़ने दो ऑटो, ये ऊपर चढ़ रहा है, आराम से चढ़ियो बे, मना है क्या चढ़ना, ये सब क्या कर रहा है बे, कौन सी ट्रेन है ये, अब यहीं खड़ा रहेगा। पहले की ट्रेनों के जो भाई ये टायर रहते थे भाई, कितने बड़े बड़े रहते थे, यहाँ पे शायद चढ़ के भी देख सकता हूँ कि मैं अंदर क्या है, एक मिनट चढ़ के दिखाता हूँ आप सबको, दिखाता हूँ क्या है। और ये एंट्री ले ली मैंने, और यहाँ पे तो पूरा अलग ही सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देख के मज़ा आ रहा है, ये इसको स्टेयरिंग मत समझना, ब्रेक सिस्टम होता है, और यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, यहाँ से कोल्ड लगता था, नहीं यहाँ से इसके अंदर कोल्ड लगता था, और इसी से फिर ये चलती थी, यहाँ पे कुंडी वंडी सब लगा रखी है, मस्त है। ये नीचे उतर गया, मेरी फ़ोटो खींच देख, इधर मालगाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं यार, ये देख के मेरे को हंसी आ रही है, मतलब इतनी नैरो है, मतलब क्या बताऊँ मैं, देखो मतलब दो पैर रखूँगा तो थोड़ी सी जगह बच रही है, इसके ऊपर चलती है म्यूज़ियम एक्सप्रेस ट्रेन, और इधर तो ये पता नहीं कैसी मालगाड़ी है कि क्या है, प्लीज़ डू नॉट क्लाइम द एग्जिबिट, मतलब यहाँ पे हमें क्लाइम नहीं करना, यहाँ पे हमें बंदरों जैसे बिहेव नहीं करना, यहाँ नॉर्मल इंसान जैसे रहते हैं वैसे रहना है। चलो बाकी चलने वाले साथ में, तो चलते हैं फिर, और ये म्यूजियम एक्सप्रेस चल चुकी है, और ये हो गया इसका डिपार्चर सक्सेसफुली, ये अब आप पूरा मजा लीजिए इसका, मजा आ रहा है, ट्रेन वाली फीलिंग, ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है, ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है, लग रहा है जर्क होता है ना वाला ट्रेन वाला, वो वाला फीलिंग, वही साउंड वही सब कुछ, वही उसी में फील है वो ट्रेन का। ये हमारा लोको पायलट उतर गया क्या, तो बीच में से उतर गया ट्रेन की, चलती ट्रेन में से सही में पता नहीं, तो ऐसे बंदा होगा या फिर इसने चला के छोड़ दी होगी ऑटोमेटिक, हट हाँ ऐसा भी, तो कहाँ रुकेगी फिर, मतलब पूरा म्यूजियम को चक्कर मारेगी, हमें क्या क्या है पूरे म्यूजियम में, वो भी आ गया
इसकी तो टिकट ही चेक नहीं हुई हम लोगों की, यानी हम लोगों ने फालतू में पैसे लिए, मतलब पैसे दिए यार। बट कोई नहीं, टिकट लेके आया, क्या पता हो जाती चेक तो दिक्कत होती ना। ऑन द स्पॉट में टिकट मिल जाता है, पहले मत लेना कोई। हाँ ऑन द स्पॉट लेना, अगर चेक होगी तो मतलब पता चल जाएगा, नहीं चेक होगी तो ऐसे ही चले जाना। और हम अपने स्टेशन से जहाँ से चले थे हम वहीं पे दोबारा पहुँच गए। ये क्या बात हुई, हम कहीं और नहीं पहुँचे, हम वहीं पहुँच गए। ये तो गोल ट्रैक है, हमें मेट्रो तक छोड़ देता है ये। पैसे भी बर्बाद हो गया, एक ही जगह वापस चला गया। कैंसिल करा दे टिकट, अब कैंसिल करा देते हम कॉल करके टिकट। और पहुँच गए, दोबारा चलेंगे। और काफी मजा आया ट्रेन में बैठ के, मजा आ गया, सारे लोग उतर गए। काफी अच्छी जर्नी रही। और यहाँ पे ट्रेन का टाइम लिखा हुआ रहता है कि कब कब चलेगी, कब कब लंच टाइम, तो उस हिसाब से आप अपना घूम के वापस आ सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे खाने के लिए कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा कैफेटेरिया है, फुल एयर कंडीशनिंग, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हमने हम सोच रहे हमें पहले क्यों नहीं मिला ये। और आप देख सकते हैं इसकी चेयर कितनी बढ़िया है, और बीच में इसकी थीम देखिए, रेलवे का ट्रैक बना रखा है। खाना भी इसी पे आता तो मज़ा आ जाता ट्रैक पे, लेकिन हमें जाके ऑर्डर करना पड़ेगा वहाँ से, और एक्स्ट्रा 5% GST उन्होंने पहले लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, पेट भरते हैं अभी चल के, देखते हैं क्या ऑर्डर किया जाए। रेली 1 लीटर MRP 6 MRP की हो जाएगा। कोल्ड कॉफ़ी 80 रुपये की, कॉफ़ी वॉफी मत देखना, कुछ देखना चाइनीज़ या फिर वेज नूडल्स विद मंचूरियन 190 का 250 ग्राम, मतलब ग्राम के हिसाब से मिलेगा। हाँ। थोड़ा महंगा ही है, लेकिन ये तो वेज थाली 260 की है, प्लस शायद इस पे ये इंक्लूडेड नहीं है। हाँ नीचे लिखा है 200 है, 120 का, ये ठीक है, तो दो ले लें। दो ले लें, पर कितना कैसा आएगा समझ में नहीं आ रहा, तो ये दो आइटम लेते हैं तभी पता चलेगा। अगर सेम ले लिया तो प्लेन डोसा ले लेते हैं और एक मसाला, नहीं तो एक ही चीज़ हो जाए। एक प्लेन डोसा ले ले और एक ये ले लेते हैं, नूडल्स नहीं है क्या कोई? ना वेज नूडल्स विद मंचूरियन। हाँ तो एक वेज नूडल्स विद मंचूरियन ले लेते हैं, पनीर चिली विद वेज नूडल्स और फ्राइड राइस 220। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, पहले ये ले लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया था वेज नूडल्स विद मंचूरियन, वो आ चुका है। आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि काफ़ी सही क्वांटिटी दे रखी है, एंड मंचूरियन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब तो खा के पता चलेगा। नूडल्स की भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। और कितने का था ये? 190 का प्लस 5% GST अप्रॉक्स 200 इसका प्राइस था। तो आप अगर आएँ तो ये ले सकते हैं, ये तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आप मेन्यू देख सकते हैं। और इस पर 5% GST एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होगा, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो अभी हम खाते हैं, बेटर फॉर 3-star होटल के लिए अच्छा है। हाँ मतलब काफ़ी अच्छा है, एयर कंडीशनिंग है, और यहाँ पे थीम देख लो, अगर आपको ट्रेन लवर हो तो आप, अगर आपको ऐसी जगह मिल रही है बगल में ट्रैक हो आपके लिए और खाने को मिल रहा हो, पूरा एयर कंडीशनिंग हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलिए अब खाते हैं, पूरा खा चुके हम, और काफ़ी अच्छा था, मतलब क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी और क्वांटिटी भी अच्छी थी, और आपको मतलब पसंद आ सकता है ये। अभी हमने आइसक्रीम मंगाई है, आइसक्रीम का जो प्राइस है वो है 2 स्कूप 80 रुपीज़ का। अभी देखते हैं ये कैसी होती है, और सारा कुछ रेल म्यूजियम के अंदर, ये कैफेटेरिया कैसे से भी पूछोगे वो बता दिया किधर है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। तो दोस्तों ये है 80 रुपीज़ की आइसक्रीम, आप देख सकते हैं 2 स्कूप का मतलब होता है ये 2 बार उन्होंने स्कूप डाल दिया है, और ये इसको 80 रुपये का बना दिया है, वर्थ नहीं है 80 रुपये में इतना। हाँ ये तो ये मैं तो माना ही करूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो खा लें, नहीं तो बाहर जाके खा लें भाई, 80 रुपये में काफ़ी अच्छे 2 कोन मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है ये कुछ कैफेटेरिया रेल म्यूजियम का, वीडियो यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।